हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, बाल विवाह निषेध निरोध अधिनियम 1929। देखिएगा दोस्तों, भारत में चाइल्ड मैरिज काफ़ी बड़ी समस्या रही है। ये आए दिन ये बात सही है कि कम हुई है, जो कानून का दखलंदाजी है, इसके अलावा जो लोगों की जागरूकता है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं फिर भी आज भी कुछ जगह आप चाइल्ड मैरिजेस देख रहे हैं। बाद भी इस बात सच है कि जो बाल विवाह का ग्राफ है वो काफ़ी कम हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, होता क्या था, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ एंड इफ द चाइल्ड इज ऑफ 4, 5, 10 ईयर्स तो उनकी मैरिजेस करा दी जाती थी। तो बाय द वे, इस एक्ट के मुताबिक क्या प्रोविजंस हैं, क्या बातें, हम ब्रीफ में ओवरव्यू आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए कहा क्या कि ये जो कानून है ये पूरे भारत में अब लागू है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था, जितने भी एक्ट रहे लगभग सभी में एक्सेप्शंस था, क्योंकि अलग से 370 के तहत रूल होता था, लेकिन अब वो धारा हटा दी गई है तो अभी पूरे भारत में लागू हो रहा है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1930 ये इनेक्टेड हो गया था, मतलब लागू हो गया था। इसके पहले के जो भी मैरिजेज रही होंगी उसमें भारतीय कानूनन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता रहा, ठीक ना। लेकिन ये कानून जब लागू हो गया 1930 के बाद से, तो इसके तहत मामला दर्ज किया जाने लगा है और इसके तहत एक्शन लिया जाने लगा है। अब देखिएगा कि है क्या, किसी को अब बच्चा या चाइल्ड कब बोलेंगे, अगर कोई लड़का है, कोई अगर मेल है, अगर वो 21 साल से कम एज का है, ठीक है ना, तो उसको आप चाइल्ड बोलेंगे, उसको आप बच्चा बोलेंगे। अगर कोई मान लीजिए कि लड़की है, अगर वो 18 साल से कम है, तो आप उसको बच्ची बोलेंगे या फिर चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है ना, फीमेल चाइल्ड। वहीं पर देखिएगा दोस्तों क्या है कि जो चाइल्ड मैरिज है तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए कि लड़के की एज 21 से कम है, लड़की की 18 से ज़्यादा है, फिर भी वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। अगर मान लीजिए कि लड़के की उम्र 21 से ज़्यादा है, लड़की की 18 से कम है, फिर भी वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। या दोनों अगर 21 से कम लड़का है और 18 से कम लड़की है तो भी वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी, तो ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी अगर एक भी प्रोविजन यहाँ पे फॉलो होता है तो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। जो कंस्ट्रक्टिंग पार्टी है, ठीक है ना, जो जिनके बीच ये मैरिज हो रही है, तो वो दोनों तरफ के रहेंगे, ठीक है ना। दो में से कोई एक भी तरफ अगर कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो वो दोनों वो पार्टी कहलाएंगे जो ये चाइल्ड मैरिज करवा रहे हैं, ठीक है ना। और जो माइनर है, जो जिसे आप अवयस्क बोलेंगे खासकर, तो कोई भी अगर 18 से कम है तो उसकी जो शादी है वो अवैध मानी जाएगी, मतलब उसको माइनर ठहराया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर कोई लड़का है, ठीक है ना, उसकी उम्र बालिग है, मतलब वो 18 से ज़्यादा है, अगर वो 18 से ज़्यादा एज का है और 21 से कम एज का है, और अगर वो चाइल्ड मैरिज करता है, अगर वो शादी करता है, तो उसको सिंपल सा 15 दिन का इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब जेल होगी 15 दिन का होगा, या फिर उसको फाइन किया जाएगा, मतलब उसको अर्थदंड दिया जाएगा, या दोनों दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा जहाँ जहाँ पे और है, उसका मतलब ये है, या तो जेल भेजा जा सकता है, या तो उसको सजा दी जा सकती है अर्थदंड की रुपए की, या दोनों दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये अमानी जज पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, है क्या कि अगर कोई लड़का है 18 से ज़्यादा है और 21 से कम है, तो क्या है ना कि उसको एक रियायत दी जाती है, कुछ उसको छूट दी जाती है कि आपकी गलती चलिए है, लेकिन आप में उतनी समझ नहीं है मान लीजिए। लेकिन अगर कोई 21 से ज़्यादा है, ठीक है ना, जो कि अब बच्चा नहीं रहा इस परिभाषा के मुताबिक, कोई चाइल्ड है वो 18 से अगर ज़्यादा है तो वो वयस्क माना जाएगा, लेकिन अगर 21 से कम है तो उसे चाइल्ड ठहरा गया इस एक्ट के मुताबिक। लेकिन कोई अगर 21 साल से ज़्यादा है और अगर वो एक क्राइम कर रहा है, अगर वो चाइल्ड मैरिज कर रहा है, तो ये बड़ा मिस्टेक माना जाएगा और इसकी जो सज़ा है वो 3 महीने तक स्टैंड हो जाती है, ठीक है ना। ये जो पहला इसमें जो 15 दिन की सज़ा है, उसके अलावा जितने भी आप देखेंगे आगे के जो भी प्रोविजंस, उसमें 3 महीने की सज़ा है और, ठीक है ना, एंड सेल आल्सो लाइबल टू फाइन, और साथ ही साथ उसको फाइन भी होगी। बराती घराती कोई भी बन के अगर आप गए हैं, मैं गया हूँ, हमें भी सज़ा होगी। अगर हम इसको इंजॉय करें, इसको हम सेलिब्रेट करें चाइल्ड मैरिज को, तो जितने सहभागी वहाँ पे बने हैं सबको सज़ा होगी, और ये जो सज़ा है वो 3 महीने तक की होगी और साथ ही साथ फाइन भी होगा। लेकिन अगर मैं बता दूँ भाई कि मुझे उसकी एज नहीं पता है, या फिर हमें नहीं पता था कि वो चाइल्ड मैरिज है, तो हमें बख्शा जाएगा, मतलब हमें इसे रियायत दी जाएगी। अन्यथा अगर हम जानते हुए कि ये चाइल्ड मैरिज यहाँ पे हो रही है और हम उसमें शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो ये भी एक अपराध है और हमें इस एक्ट के तहत सज़ा होगी, ठीक ना। पनिशमेंट फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस कंसर्न्ड इन चाइल्ड मैरिज,
देखिए कि जो बाल विवाह है, अगर उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स लॉफुल अनलॉफुल कैसे भी हो सकते हैं, उसके सगे माँ बाप हो सकते हैं, जो उन्होंने गोद लिया है, जो उसे पाल रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। तो देखिए, अगर जो पार्टीज अगर माइनर हैं, अगर वो वर वधु माइनर हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको 3 महीने की सजा होगी और साथ में फाइन होगा, बशर्ते कि वो ये साबित कर दें कि वो माइनर नहीं है। या फिर अगर वो माइनर हैं और अगर वो मान लीजिए कि शादी करा रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले से ये माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। देखिए, कहीं बात ये है भी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी शादी वगैरह होती तो यही माना जाएगा कि उनके पेरेंट्स को ये पता है और जानबूझ के ऐसा करा रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, ये पूरे एक्ट में जो लड़कियां रहेंगी, जो वेमेन रहेंगी, उनको कोई भी सजा नहीं होगी इम्प्रिमेंट की, या फिर उनको कारावास नहीं होगा, बशर्ते दे आर लाइबल टू फाइन। सिंपल सी एक और बात है कि संज्ञेय अपराध है, मतलब पुलिस अपने से एक्शन ले सकती है अगर उनको पता चलता है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही है। देखिएगा, जो ज्यूरिसडिक्शन है ये JMFC फर्स्ट क्लास इसका कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई शिकायत कब करेगा कि भाई चाइल्ड मैरिज हुई है, तो कब तक उस पर कोर्ट्स एक्शन लेंगी, पुलिस एक्शन लेगी। तो देखिएगा, 1 साल के अंदर, अगर मान लीजिए कि आज आज अगर मान लीजिए कि 29 मई है और 2023, 29 मई 2024 के पहले अगर कोई आज की मैरिज का अगर वो खिलाफत करता है, रिपोर्ट करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोई सोचे कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर उसकी रिपोर्ट करे तो वो मान्य नहीं होगा, चाइल्ड मैरिज हुई, अपराध हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब इसका जो आप इसकी जो परिसीमा अवधि है, बोल सकते हैं एक्सपायरी डेट है, वो 1 साल है, ठीक है ना। अब देखिए था क्या दोस्तों, कि ये जो शिकायत करता था उसको थ्रेट तो रहती थी कि भाई चल तूने किया शिकायत तो हम देख लेंगे, बाहर मिलेगा। ये अब भी होता है, पहले भी हुआ करता था। इवन तो मैंने राजस्थान के इतने सारे केसेस देखे हैं कि रूह कहाँ पर जाती है, सही बताऊं तो। क्या था ना कि जो कंप्लेनेंट से शिकायत करता है उनका जो सिक्योरिटी है उसका इशू था, तो ये पहले इसे बाद में फिर रिपील्ड कर दिया गया है। मतलब इसे अब कंपलसरी बना दिया गया है कि जो शिकायत करता है उसकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, एज पर अमेंडमेंट ऑफ 1949, ठीक है ना, 1949 के तहत। अब देखिएगा, ये है कि जितना भी चाइल्ड मैरिज में शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत कोर्ट्स में है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास है। साथ ही साथ कोई भी औरत, कोई भी विमेन को कारावास नहीं होगा, बल्कि उनको फाइन किया जा सकता है, लेकिन कारावास नहीं होगा। तो ओवरऑल हमने जो टोटली अभी तक देखा है तो यही है कि जो चाइल्ड मैरिज बाल विवाह निरोध अधिनियम है, इसके तहत किसी भी औरत को सजा नहीं होगी, किसी भी औरत को कारावास नहीं होगा, एक्चुअली सजा फाइन भी होता है, और जो बकाया है तो मैक्सिमम अगर कोई यहाँ पे सजा है वो 3 महीने है, और साथ ही साथ फाइन है 1000 रुपीज। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल, काफी छोटा सा एक्ट है और काफी मजेदार है, मतलब ये काफी यूजफुल है, हेल्पफुल है सोसाइटी की तरक्की के लिए। दोस्तों, आप सब मिलेगा, धन्यवाद।